हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू माय न्यू ब्लॉग। किया सेल्टोस फेसलिफ्ट का आज शोरूम पे लॉन्चिंग हो चुका है, तो आज शोरूम पे ही जा रहे हैं। नए फेसलिफ्ट में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस किया गया है, क्या फीचर एड ऑन हुआ है उसमें। किया सेल्टोस, होंडा एलिवेट, ये दो एसयूवी को कंसीडर करके चल रहे हैं, जो कि पर्सनल एसयूवी मेरा होने वाला है और ये नेक्स्ट व्हीकल मेरा होगा। स्कॉर्पियो एन भी कंसीडर किए थे, लेकिन चूंकि उसमें वेटिंग बहुत ज़्यादा है और लगता नहीं है कि वो जल्दी मिल पाएगा, तो इसलिए अभी चलते हैं सीधा किया के शोरूम पे और सेल्टोस को जो है अच्छे से उसका वॉकअराउंड लेते हैं। बारिश काफ़ी तेज शुरू हो चुकी है और इसी बारिश में अभी ड्राइव करते हुए चल रहे हैं। मौसम काफ़ी बढ़िया लग रहा है और ड्राइविंग का काफ़ी बढ़िया मज़ा इसी मौसम में आता है। बिहार में जैसा कि शराब पे बैंड है, तो यहाँ पे वही चेकिंग हो रहा है गाड़ियों का कि कहीं कोई शराब वगैरह तो नहीं लेकर के जा रहे हैं, इस बात का यहाँ पे चेकिंग चल रहा है। ये शोरूम आ गए हैं, अब चलते हैं शोरूम के अंदर। ये है न्यू किया सेल्टोस फेसलिफ्ट, जिसका आज शोरूम पे लॉन्च हो गया है। काफ़ी बढ़िया इसका लुक लग रहा है, हेडलाइट वगैरह का भी डिजाइनिंग में चेंज किया गया है, DRL का पोजीशन भी काफ़ी अच्छा आप लग रहा है, ये फॉग लाइट साइड में, ग्रिल भी थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया गया है, क्रोम डोर हैंडल, अलॉय व्हील डायमंड कट, इसका भी डिज़ाइन पहले से चेंज किया गया है और गाड़ी देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये इसका बैक प्रोफाइल, कनेक्टिंग बैक लाइट, जिसका चौड़ाई बैक लाइट का काफ़ी अच्छा रखा गया है, तो ये कुल मिलाकर के अच्छा लग रहा है। नीचे का ये बम्पर का डिजाइनिंग, बैक लाइट LED में ही है, क्रोम डोर हैंडल, ये कार लॉक है तो इसको लॉक खुलवाते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। ये रेड कलर में है, तो इसका भी लुक देखते हैं कि बैक से कैसा है। काफ़ी बढ़िया इसका भी लुक लग रहा है। डायमंड कट अलॉय व्हील भी इसमें काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इसका भी डिज़ाइन वगैरह पहले से काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। रियर वाइपर वाशर इस वेरिएंट में अवेलेबल है, ये GT वेरिएंट है। डोर हैंडल क्रोम गार्निश के साथ, विंडो भी क्रोम गार्निश में है और ये इसका ब्लैक इंटीरियर जिसमें बेज कलर का थोड़ा सा इंसर्ट डोर पर दिया गया है। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, स्क्रीन का साइज अब काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये कप होल्डर शटर के साथ, ये SUV काफ़ी पसंद आ रहा है, इसका डिज़ाइन वगैरह जो चेंज किया गया है। मे बी हो सकता है कि इसी को कंसीडर करके फाइनल डिलीवरी इसी का ले लें, और काफ़ी अच्छा लुक भी इसका लग रहा है। ये इसका गेट का कुछ लुक पहले से तो काफ़ी इम्प्रूव किया गया है, पीछे रियर AC वेंट वगैरह सारा कुछ है।
गेट पर थोड़ा सा बेज कलर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल वगैरह सब है फंक्शन इसमें। ग्लव बॉक्स का भी स्पेस ठीक ठाक लग रहा है, ऊपर सॉफ्ट टच। आर्म रेस्ट में स्टोरेज स्पेस भी है। इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छा डिजाइन कर दिया गया है पूरा। ये इसका फ्रंट से लुक पहले से तो काफ़ी बेटर हो गया है, और हो सकता है कि अब इसी एसयूवी को फाइनल करके इसी का डिलीवरी लें। बुक तो खैर कर ही दिए हैं, पैनोरामिक सनरूफ भी अब इसमें आ गया है, काफ़ी ह्यूज साइज का अब इसमें पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है। इस मॉडल में जी एसटीएक्स में तो नहीं आएगा ना? एसटीएक्स में नहीं आएगा। इससे क्या होता है कि अगर आप इंडिकेटर देते हैं जैसे ऊबर का इंडिकेटर दिए, कुछ थोड़ा सा ऐसा जगह होता है जहाँ ना ड्राइवर देख पाता है ना शीशा देख पाता है, तो वो जगह वो कैमरा में आप ऑन हो जाएगा। यहाँ दोनों साइड इधर कीजिएगा तो इधर का ऑन हो जाएगा, उधर साइड उधर साइड दोनों साइड का अलग अलग स्टीयरिंग इलेक्ट्रिक है। इस वाले मॉडल में आपको ADAS भी आ जाता है 2.0 लेवल का। इस GTX से जी? अच्छा GTX के IMT में भी ADAS है? ADAS है GTX के हर एक ट्रांसमिशन में ADAS है। ओ, तब तो GTX में ही जाने में फायदा है। बिल्कुल। दाम देखिए ना, दाम कितना का अंतर है और फीचर कितना का अंतर, इसी हिसाब से कंपेयर करते हैं ना। इतना ज़्यादा ले रहा है तो उतना में हम लोग को क्या क्या मिल रहा है, उससे ज़्यादा काफ़ी। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाएगा, सीट में एसी मिल जाएगा आपको। अच्छा GTX में तो IMT नहीं आएगा, इसमें तो फुली ऑटोमेटिक आएगा? ऑटोमेटिक भी आएगा सर, IMT है इसमें। GTX में IMT आता है जी। अच्छा। न्यू किया सेल्टोस फेसलिफ्ट का ये था ओवरव्यू। अब होंडा एलिवेट का वेट करेंगे और उसके बाद फिर डिसीजन लेंगे कि किया सेल्टोस लेना है या होंडा एलिवेट। किया सेल्टोस नया वेरिएंट जो अभी आया है, देखने में तो काफ़ी बढ़िया लगा। इसका फीचर वगैरह भी, जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी काफ़ी लग्जरियस लग रहा है, एकदम टॉप क्लास हाई एंड कार के जैसा इसका फीचर वगैरह सब है। पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जा रहा है, तो इसको देखने के बाद तो मन हो रहा है कि अब इसी को ही बुक तो किए ही हुए हैं, फाइनल भी जब डिलीवरी शुरू हो तो इसको ही ले लें। और कलर जो है ब्लैक और ऑलिव जो नया कलर आया है ग्रीन टाइप का, वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, तो हो सकता है कि यही अगर फाइनल करेंगे तो ब्लैक या ग्रीन जो कलर है उस दोनों में से ही कोई फाइनल करेंगे। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे द एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।